अस्सलाम वालेकुम, मैं प्यासी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी माशाल्लाह से खाना बनाने जा रही थी तो मैंने कहा आज बिल्कुल न्यू रेसिपी है, बिल्कुल चेंज, तो आप लोगों से शेयर की जाए। और आपको मतलब ये हो ही नहीं सकता कि मैं रेसिपी भी ना दिखाऊं और घर की एक्टिविटी भी, तो मैं सब चीज़ें आप लोगों को, एक मिक्सचर होता है मेरे व्लॉग में, सब चीज़ें मैं लेके चलती हूँ ताकि आपको पसंद आए। तो लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आप ही को आपने सपोर्ट करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी माशाल्लाह किचन में मैं आ गई हूँ। मैंने कहा जो यखनी मैं चढ़ाने लगी हूँ, चिकन मैंने डाल दिया पानी में। और ये देखें जी माशाल्लाह से, समीला दिखाओ ना जी से मेरा बेटा। ये देखें अदरक, लहसुन और ये प्याज, नमक, सौंफ, धनिया, साबुत धनिया है, जीरा है, खड़े मसाले हैं और ये साबुत लाल मिर्चें हैं। अच्छा ये सब चीज़ें मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैं यखनी में डाल दूंगी, चाहे बड़े गोश्त की हो, चिकन की हो, तो आपने यही चीज़ें डालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना। और बाद लोगों को मैंने देखा कि वो हरी मिर्चें भी डाल रहे होते हैं तो बिल्कुल जो यखनी का टेस्ट है बिल्कुल चेंज हो जाता है। बस यही डालना है आपने। हाँ हो सके तो कुटी मिर्चें लाल डालें, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, अभी कलर देखें बिल्कुल वाइट है, दिखाओ समीउल्लाह। ये देखें जी अभी जो हमारी यखनी का कलर है बिल्कुल वाइट है। आधे घंटे के बाद मैं इसको आपका फाइनल कलर दिखाऊंगी, इसका कलर कैसा हो जाता है। तो बस अब ये है कि इतनी देर में नमाज अदा कर ली मगरिब की, अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कौन है जी किचन में, ये क्या हो रहा है? मैं तो खाना बनाने आई थी। मैं बनाऊंगी जरा ये मसाला, ये भून के ना ये वाला। अच्छा कौन सा मसाला? मसाला जो होता है ये। अच्छा मैं दिखाती हूँ अपने व्यूअर्स को, कुछ चेंज है क्या इस दफा? मैंने तो यहाँ नहीं बनाया। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपकी ट्रिक न्यू। तो ऐसा करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर देते हैं कि जिस तरीके से आप यखनी पुलाव बना रही हो। यखनी तो मैंने चढ़ाई थी, इसका क्रेडिट मुझे जाता है, बाकी जो न्यू ट्रिक है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि नन कैसे बना रही है। मुझे तो बिल्कुल न्यू लग रहा है आज तक ना, मतलब ये कह लें कि हमारी अम्मियों ने भी ऐसा नहीं पकाया, जो मतलब वही सिंपल जो यखनी होती थी उसके बाद चावल, जो मसाला और ये वो। तो शेयर करते हैं, दिखाती हूँ कि क्या न्यू ट्रिक है, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। ये न्यू ट्रिक दिखाते हैं और ये न्यू ट्रिक में क्या है, चली गई हैं अभी, वो आएंगी तो फिर मैं बताती हूँ, मुझे तो नहीं पता। वैसे तो खड़े मसाले सारे लग रहे हैं लेकिन वो अपने तरीके से बताएंगी। और ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें यखनी का कलर कितना खूबसूरत आया है। अच्छा मैंने आधा घंटा कहा था आपको लेकिन ये एक घंटा पकती रही है। हाँ, अच्छा क्या डाला है आपने? ये इसमें ये गोल मिर्च, अच्छा जीरा डाला है, साबुत गरम मसाले होते हैं ना उसकी चीजें सारी ऐड कर दी। सही, इसको भून लिया। वही मैं कह रही हूँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, इतनी कोई खुशबू पूरे घर में ना, ये सारी इन्होंने ड्राई रोस्ट कर ली ना। और बस प्याज वही जो मसाला, तो वही जो बनता है बुनाई में, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर का पेस्ट और हाँ हम दही भी डालते हैं थोड़ी सी ना। तो बस माशाल्लाह से बस खाना बनना रेडी हो गया। बनाना मैंने था लेकिन जब किचन में आई हूँ तो नन ने कहा नहीं भाई चावल तो मैंने ही बनाने। और ये देखें जी, और अभी हमने मगरिब की नमाज अदा की है और अभी भी रोशनी है हल्की हल्की और हवा बिल्कुल बंद है, आज तो बहुत गर्मी है। और यहाँ है ना बच्चों ने फैन चलाया है और पंखे की हवा ले रहे हैं, गर्मी लग रही है ना आज अंदर। तो नहा लो अभी, आप भी फ्रेश हो जाओगी। देखो समीला कितने प्यारे प्यारे हो गए नहा के, साफ सुथरे आप भी ना हो। और इनको इतनी गर्मी लगी ना खुद ही फैन चला के बैठ गए। ज़रदा गर्म हो रहा है, दोनों खा लेना ठीक है जी। सही है, मैंने कहा था। हाँ आपने कहा था ना कि ज़रदा गर्म करो। बोतलें निकाल लेती हूँ क्योंकि सुबह शाम दो दफ़ा बोतलें भरी जाती हैं, अभी बर्फ़ बन गई हैं, 5-10 मिनट तक ये बाहर पड़ी रहेंगी, फिर इसको कमरे में लेके जाऊंगी। और बस माजर चाहती हूँ कि चावल मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि जैसे ही चावल बने तो हमला हो गया चावलों पर। और बस ये चावल बचे हैं, ये मैं अभी बड़े बेटे को देती हूँ, अभी आया है और साथ रायता है। और बस जल्दी जल्दी निकालते हैं चावल। और आप लोग क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? लड़ाई ना अच्छा दोनों की, ये देखें ज़रा इनका खेल देखें ज़रा, रात का टाइम देखें, दोनों शरारती हो देखें अबिया को। चैलेंज में खाना डालती हूँ, आए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें।
सलाम। ये क्या लाए? अब्बू के लिए लाया हूं, आज फादर डे था ना। हाँ जी, आज फादर डे था और केक ला रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा तायबू केक शौक से नहीं खाते, तो तायबू की पसंद का आप ये फलूदा ले आए, जाएं तायबू को दिया है और तायबू खुश हो जाएंगे माशाल्लाह से। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बड़ों के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेके जा रहे हैं। तो जी हस्बैंड लाए हैं रशियन सैलेड। वाह भाई, आज तो मज़े हो गए हमारे। वैसे तो रमज़ान है माशाल्लाह, हमने बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा, तो रमज़ान की याद ताज़ा हो गई। दिखाओ सम्मीला नज़दीक से। ये देखें जी, बनी बनाई रशियन सैलेड इनकी शॉप के पास ही मिलती है और माशाल्लाह बहुत मज़े की। रमज़ान में हम यही मंगा के खाते थे, फ्रूट चाट तो बहुत ज़्यादा महंगी थी तो बस यही भिजवाते थे ट्रे, और उससे कहते थे कि हमें बना के दे दें। दिखाओ सम्मीला कितनी मज़े की है और बिल्कुल ताज़ी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, आ जाए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। समीउल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्ला को मैं तो दे रही हूँ, मैं नहीं खा रही क्योंकि रात को लेट नाइट खाओ तो फिर तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बस ये बच्चों को देते हैं। बच्चे तो माशाल्लाह खा लेते हैं, अल्लाह उनको नसीब करें उनको। और ये देखें जी माशाल्लाह इतने मज़े किए। सुनते हैं नहीं बिल्कुल भी, जो इतना मुझे तंग किया मैडम के डंडे से पिटाई लगा मुझे बहुत, इनको मैंने समझा लिया बस अब एंड हो गई है, छुट्टियां भी रहती है। और देखे समीर लागे से हंस रहे हैं, उनको पता है मम्मा ने माफी होती लेकिन आज इनको पड़ेगी और जोरदार, ताकि पूरा महीना मुझे छुट्टियों में सुकून मिले। अरे सनी होगी जल्दी कान करो, और आप ही जल्दी सब पे आएगा, जल्दी काम करो। छोटा सा ये कहने के सबक आमोज एक बात थी जो आप लोग का शेयर करनी थी, क्योंकि आजकल हो गई बच्चों की छुट्टियाँ और बच्चे बहुत ज़्यादा ये कि घर में तंग भी कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो अकेडमी से भी पढ़ के आ जाते हैं 2 से 2.5 घंटे में, जैसे ये दोनों आ गए हैं और क्यों नहीं, बच्चे तो छोटे हैं ना समझ, वो तंग भी करेंगे और मतलब हर बात की जिद भी करेंगे। बाज घरों में बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, बाज घरों में मारपीट की जाती है, बाज घरों में बच्चे खुद ही अच्छे होते हैं, तंग नहीं करते माँ बाप को, लेकिन बच्चों की नफ्सियात से आप लोग समझें। ठीक है, डांटने के हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको मारेंगे पीटेंगे ऊँची आवाज़ में और बुरे बुरे अल्फाज से पुकारेंगे तो कल को बच्चे भी आप लोगों को वैसे अल्फाज से पुकारेंगे और वैसे उनमें जज्बात और गुस्सा होगा जैसे हम उनको बचपन में दिखाएंगे। और ना हम अब देखें समीला ने वही डंडा पकड़ के बैठे हुए उनसे खेल रहे, क्योंकि उनको पता है कि मम्मा ने कभी भी अभी भी जाने हमारी फैमिली में कभी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया जाता। और हम इनको मुझे तो मैं समझाती हूँ, वो कहते हैं ना दे सोने करने वाला लेकिन देखें शेर की नज़र से, तो हम मेरा वैसे ही सिस्टम है, इनके बाबा बिल्कुल भी डांट नहीं देते। हाँ मैं इनको इस तरीके से देखती हूँ कि ये वहीं घर पर खेल लेट जाते हैं। अभी मैंने कहते हैं इनको कमरे से बुलाया, मैंने कहा चलो आप वीडियो में इनके सामने बनाऊँ ताकि ये भी सुने और इनको भी पता चले कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, ताकि ये बताएँ कि मम्मा मेरे साथ कैसे हैं कैसे नहीं, बाबा कैसे हैं कैसे नहीं हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, अगर मैं आपसे झूठ बोलूँगी तो बीच में ये बोल पड़ेंगे कि नहीं मम्मा हमें बहुत मारती हैं, मम्मा हमें बहुत डांटती हैं। तो हाँ डांटती तो मैं ज़रूर हूँ लेकिन एक लिमिट में रह के, और एक जैसे बुरे अल्फाजों से नहीं, और ये मान भी जाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप लोगों के बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, तो बस ये आपने थंबनेल मैंने ऐसा बनाया ना कि आप लोग देख के परेशान हो गए होंगे कि भाई आप ही को क्या हो गया, आप ही तो कभी भी इतना बुरा नहीं मारती। एक बच्चा बेहोश होया हुआ, एक बच्चे ने कान पकड़े हुए, तो एक सबक मैंने एक ये कहने की सबक आमोज वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, ताकि आपको बताएं कि माशाल्लाह एक सब्र रखें एक वो रखें, ताकि बच्चों में भी वैसे सब्र आएगा वैसे प्यार आएगा, दोस्ताना मोल रखें ताकि ऐसा मोल रखें बच्चे आपके हाथ से हाथ मार के हंसें और आपसे हर बात शेयर करें। अगर आप प्यार से बोलेंगे तो बच्चे बाहर की भी कोई ऐसी बात होगी जो डरेंगे झिझकेंगे आप लोगों को नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे, उन्हें पता होगा कि मम्मा बाबा हमें डांटेंगे हमें मारेंगे। अगर प्यार से समझाएंगे तो आपसे हर बात वो शेयर करते, चाहे वो बाहर की बात हो घर की बात हो। तो समीउल्लाह ये नहीं कि मैं मार नहीं रही और समीउल्लाह जी सर पे अपने मार दें और क्या है कि मम्मा ने बातों बातों में डंडा मारा है। समीउल्लाह मम्मा प्यार से डांटती है या सही लगाती भी है? कह
तो बस ये यहाँ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और आपने ज़रूर कमेंट से बताना है कि जो बातें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं आपको कैसी लगी, कि आपकी फैमिली में ऐसे ही होता है, बच्चों की पिटाई होती है, कि उनको प्यार से समझाते हैं, किस तरीके से लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है। वैसे तो माशाल्लाह ये है जी शरारती, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल शरारती नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक है, बदनाटती हूँ उसी तरीके से ये समझ जाते हैं। तो बस इजाज़त चाहती हूँ, अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।